हजूर, मैंने पूछना था कि कुरान मजीद में जिसका सूरह बकरा पहले पारे में है और सूरह नास तीसरे में, तो सूरह फातिहा सूरह बकरा पहले पारे में और सूरह नास आखिरी में, तो सूरह फातिहा क्यों नहीं किसी पारे में? सूरह बकरा पहले पारे में है जी, लेकिन सूरह फातिहा क्यों नहीं किस पारे में? सूरह बकरा सिर्फ पहले पारे में तो नहीं, पहले 250 पारे सूरह बकरा के हैं। लेकिन सूरह फातिहा वो कुरान मजीद में किसी किस पारे में नहीं है। ठीक है, वो कुरान करीम का हिस्सा ही है, वो भी उसको पहला सपारा के, सपारा तो कोई चीज़ नहीं ना, सपारा तो बाद में बनाई हुई चीज़ें हैं ना। जो असल तकसीम है कुरान करीम की वो सूरतों की है। बाज़ कहते हैं कि सूरह फातिहा जो है वो कुरान करीम का ऐसा हिस्सा है जो खुलासा है, इसलिए इसको उसमें से बाहर निकाल दिया, एक अलहदा बना दिया तारुफ़ हैं कुरान शरीफ का हैं, इसलिए उन्हें बनाया। जो असल तकसीम है कुरान करीम की, जो आहद रसल वसलम ने फरमाई है, वो तो सूरतों की है और आयात की है, हैं। ये बाकी उलमा ने बाद में बना ली हैं बातें, तो जहाँ तुम चाहे उसको सूरह फातिहा को पहले इस बारे में शामिल कर दो या उसको तारुफ के तौर पर अलहदा शामिल कर दो, हैं जी। तो वैसे कई कई सूरतें कई कई सपारों में फैली हुई हैं, हैं। इसलिए असल तकसीम सूरत की है। जब तुम कुरान करीम का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ो तो वहाँ चैप्टर लिखा होता है जी। चैप्टर सूरत को लिखा होता है, आगे तकसीमें कर दी हैं अपनी आसानियों के लिए, किस तरह किस लिए की, वो आगे बाज़ उलमा फुकहा का काम है।